नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह सीबीसी न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत करती हूँ। तो दुनिया जहां की चीजें तो आपको दिखाता रहता है, सीबीसी बहुत सारी खबरें भी दिखाता रहता है। तो आज सीबीसी आपको लेकर आया है जैनों के सबसे बड़े तीर्थ शिखर जी, जिसे पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जैनों का इतना सारा समुदाय आता है दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ से शिखर जी के लिए जाते हैं, कौन कौन से रूट्स आते हैं, हम कितना इंजॉयमेंट करने वाले होते हैं, और ये भी जानते हैं कि आखिर ऐसा शिखर जी में ऐसा क्या है जो इतना जैन समुदाय वहाँ पर आता है। और हम वहाँ पर पूछते हैं कि लोग क्यों आते हैं वहाँ पर, ऐसी क्या मान्यता है, ऐसा क्या प्रचलन है कि लोग वहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो चलिए मेरे साथ शिखर जी चलते हैं। हम शिखर जी कैसे जाएंगे, बाय द बस जाएंगे, देन ट्रेन जाएंगे। हम आपको डे बाय डे आपको व्लॉग्स दिखाएंगे, और डे बाय डे मैं आपको एक एक व्लॉग के साथ वीडियोस के साथ मंदिर भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितने सारे मंदिर हैं। चलिए चलते हैं। शिखर जी जाने के लिए सबसे पहले हम प्रतापगढ़ से बस में बैठे थे। हम लोग लगभग रात की 9 बजे निकले थे। हम कुल 50 से भी ज्यादा लोग थे। भगवान का नाम लेकर हमने हमारी बस स्टार्ट करी, और बस में फुल ढोल मंजीरों के साथ भजन कीर्तन किया, और बहुत सारा हम लोगों ने डांस किया, और जो इंजॉयमेंट हमने किया था ना यार, मजा आ गया। करीब 12 बजे हम रतलाम जंक्शन पर पहुंचे। अब आप सोच सकते हैं, हम 50 लोग थे और 50 लोगों के पास 100 से भी ज्यादा बैग थे। अब इतने सारे बैग थे तो हम जैसे तैसे करके स्टेशन पे पहुंचे। अब थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और फटाफट हम सब अपनी सीटों पर बैठ गए। करीब 3 बजे हमारी ट्रेन निकली रतलाम से। ट्रेन जैसी ट्रेन आई और हम सब इतने थके आ रहे थे कि हम जाते ही ट्रेनों में सो गए। अगले दिन जब नींद खुली तो सुनते हैं चाय चाय चाय, ओ वी आर इन द ट्रेन। जैसे हम ट्रेन बैठे तब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हम सब लोग शिखर जी जा रहे थे। वही हमारे साथ जो पूरी की पूरी ट्रेन थी ना, वो पूरी की ट्रेन भी शिखर जी के लिए जा रही थी। मतलब हमारे साथ ट्रेन में 5,555 लोगों का संघ था जो दिल्ली से था। ये लोग सब शिखर जी ही जा रहे थे। अब जैन से जैन भाई मिल गए, वो भी ट्रेन में, तो भाई साहब मज़ा आने वाला है। अब तो डबल मज़ा आने वाला है। हम लोग 2 दिन ट्रेन में रहे, फुल इंजॉय किया, खाना खाया, खाना शेयर किया, मज़ा आ गया। बहुत सारे भजन कीर्तन किए। पता है जब हमारी फैमिली ने भजन कीर्तन स्टार्ट किया, वो इतना शानदार तरह से शुरू किया था ना, कि आसपास के सारे डब्बे वाले हमारे डब्बे में एंजॉय करने आ गए थे। ऊपर वाली सीटों पर बैठकर ढोल मंजीरे बजा रहे, इतना एंजॉय के बाद अब हमारा स्टेशन आ गया था। तो हमारा स्टेशन आया था जहाँ हमें, वो था झारखंड शहर का फूसरो स्टेशन। यहाँ हमने बैग उतारे, टैक्सी पकड़ी और निकल पड़े हम झारखंड के गिरिडीह में मधुबन में। मधुबन जाने के बाद हमने जो धर्मशाला बुक करवाई थी, मतलब जहाँ हम रहने वाले थे, वो थी दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं, अब हम 5 दिन के लिए रहने वाले हैं, और शिखर पर्वत जिसे पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है उसकी यात्रा करेंगे। इसके साथ ही यहाँ सिर्फ और सिर्फ जैन मंदिर ही है, तो मैं आपको उन जैन मंदिर के भी दर्शन करवाऊँगी। तो ये है वो भोजनशाला जहाँ हमने खाना खाया, और ये वो कैंटीन है जहाँ हमने सबसे पहले चाय पीने वाले। कुछ भी हो यार, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी अपनी चाय पी ली और स्टार्ट करते हैं जैन ट्रिप शिखर जी। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले जान लेती कि आखिर जैन तीर्थ शिखर पर्वत है क्या, और क्यों इतना प्रसिद्ध, और इतने सारे जैन समुदाय आखिर यहाँ क्यों आते हैं। तो आपको बता दूँ कि जैनों में कुल 24 तीर्थंकर है, जिसमें से कुल 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से ही यानी शिखर पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया था। इसलिए ये भूमि त्याग और तप की भूमि है। तो अब चलते हैं, मैं इसके आगे आपको मंदिर और पूरा शिखर जी आपको घुमाऊंगी।